तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनमास टीवी पर। दोस्तों आज हम कवर करने वाले टॉप 10 न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामास को, जो कि सभी हिंदी लैंग्वेज पर अवेलेबल है Amazon मिनी टीवी, एमएक्स पे, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर में। ये सभी कोरियन ड्रामास और चाइनीज ड्रामा जो है ना, वो एक से बढ़कर एक होने वाले हैं, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और कई ड्रामास आपने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। इस वीडियो के अंदर में जितने भी के ड्रामास और चाइनीज ड्रामास को रखा गया ना, वो एकदम रैंडम रखा गया, यानी कि बेस्ट कोरियन ड्रामास और चाइनीज ड्रामास आपको इस वीडियो के बीच में कहीं पर भी मिल सकता है। तो इस वीडियो को शुरू लेके लास्ट तक जरूर से देखना। और इन सभी ड्रामास को मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी और देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले नंबर पे जो ड्रामा निकल गया था, वो एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है द स्टारी नाइट, द स्टारी सी। इसे 2017 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर। भाई साहब, इस ड्रामा की जो स्टोरी ना, वो एक फैंटेसी स्टोरी होने वाली है। यहां पर आपको सुपर पावर भी देखने को मिलने वाली है। यहां पर आप कहानी देखने वाले हैं वुलान की, जो कि एक समुद्री जीव होता है, समुद्री मानव होता है, या यू कह लो कि मरमैन होता है। वुजरान कई सालों से जिंदा होता है, यानी हजार सालों से जिंदा होता है, पर 100 साल पहले उसके एक बहुत ही प्रिय मित्र ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था और उसका जो कीमती मोती है ना, वो चुरा लिया था। और वुजरान के पास में ना बहुत ही कम टाइम बचा जीने के लिए, यानी 3 महीने का टाइम बचा है, और उतने टाइम में ना उसे अपना वो मोती ढूंढना है। और जब वुजरान उस मोती को ढूंढने के लिए जाता है ना, तब वो एक ऐसे लड़के से मिलता है जो शायद से उसकी उस दोस्त की वंशज हो सकती है। और वुजरान जो है ना, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर उसके साथ में रहने लग जाता है किसी तरह नौकर बन के, और सारी जानकारी निकालने की कोशिश करने लग जाता है उस मोती के बारे में। और उसी बीच हमें पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है, और क्या वुजुलान जो है लास्ट तक अपने मोती को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो क्या सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये सभी आपको इस पूरे ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 32 एपिसोड है, जिनकी लेने रहने वाली है 40 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था, वो एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है लवली रनर। इसे 2024 में किया गया था, उसे IMDb पर 8.7 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा के अंदर में कहानी देने वाले एमसोल की, जो कि पैरालाइज होती है और उसके पास मोटिवेशन नहीं होता जीने के लिए। किस्मत से उसके पास में एक सुपर आइडल का कॉल आता है और वो उसे मोटिवेट करता है जीने के लिए, और वो केपॉप आइडल और कोई नहीं, क्वीन जाई होता है। और उसके बाद से ना एमसोल काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो उसकी बहुत ही बिगेस्ट फैन बन जाती है। एक दिन खबर आती है कि क्वीन जाई ने ना कर लिया है। ऐसे में एमसोल पूरी तरह से टूट जाती है और वो उसे बचाना चाहती है, और एक चमत्कार होता है जिसकी वजह से उस समय में बीच चली जाती है, और अब जो है ना एमसोल अपने आइडल को बचा सकती है। तो क्या लास्ट तक वो उसे बचाने में कामयाब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और इस बीच हमें इन दोनों की लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको एमसोल की टाइम ट्रैवल वाली लव स्टोरी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनके अंदर आने वाली 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था, वो एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है स्टिल 17। इससे 2018 में IMDb पर 7.9 आउट ऑफ रेटिंग मिली है, और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर। ये ड्रामा जब मैंने पहली बार देखा ना, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यार ये इतना बढ़िया होगा। इस ड्रामा के अंदर में हमें कहानी देखने को मिलती है सियोरी की, जो कि बचपन से बहुत ही बेस्ट वायलिनिस्ट बनना चाहती है, और उसका सपना होता है बड़े होकर एक बड़े से स्टेज में परफॉर्म करने, और वो विदेश में वायलिन सीखने जाने वाली भी होती है। ऐसे में क्या होता है ना, उसके साथ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है 17 साल की उम्र में, और उसके बाद से ना वो 13 सालों के लिए कोमा में चली जाती है। और 13 साल बाद जब वो जागती है ना, पूरी तरह से शॉक हो जाती है, और उसके आसपास में उसके घर वाले भी नहीं होते हैं, ना ही पूरे साउथ कोरिया में होते हैं। ऐसे में सियोरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने पुराने घर की तरफ भागती है, और वहां पर नए नेबर आ चुके होते हैं, नए लैंडलॉर्ड वहां पर रह रहे होते हैं, और उन नए लैंडलॉर्ड में से एक होता है वुजिन। और वुजिन जो है ना, वो सियोरी को उस घर में रहने के लिए मान जाता है किसी रीजन की वजह से, और बाद में हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 58 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था ना, वो एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है माई गर्लफ्रेंड। इससे 2019 में किया था, उसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। उस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Amazon टीवी के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देने वाले हैं चीज जिनकी, जो कि बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, काफी ज्यादा अमीर होता है, पर उसे एक लड़की से प्यार रहता है जो कि बहुत फेमस एक्ट्रेस होती है, पर किसी रीजन की वजह से जो है ना उसकी लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। ऐसे में जो उसकी मॉम है ना, उसके लिए काफी ज्यादा वरीड होती है, परेशान होती है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए करना क्या चाहिए। ऐसे में एक दिन उनकी मुलाकात जो है ना, वो एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो उस एक्ट्रेस जैसी दिखती है। तो ऐसे में उन्हें एक उम्मीद मिलती है कि अब उनका बेटा शायद से उसे छोड़ सकता है, उस एक्ट्रेस के बारे में भूल सकता है। तो इसीलिए वो उस एक्ट्रेस के जैसे दिखने वाली लड़की को ना अपने बेटे के पास में भेज देती है। डिंग शाओ जो उस एक्ट्रेस जैसे दिखती है, वो भी इस चीज के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर पहले तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नोकझोंक हो रही होती है, पर बाद में इन दोनों के बीच में लव स्टोरी स्टार्ट होती है, और ऐसी लव स्टोरी होती है जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इस पूरे ड्रामा को जरूर देखना। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 36 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 34 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था, वो एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है लुका द बिगिनिंग। इसे 2021 में किया था, उसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 मिली है। इस
ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं MSPlay के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर लुगा का मतलब है लास्ट एंसेस्टर ऑफ एनी स्पीशीज, यानी कि किसी भी स्पीशीज का आखिरी बचा हुआ इंसान। इस ड्रामा के अंदर में हमें कहानी देखने को मिलती है जीओ की, जो कि बचपन से ना किसी रीजन की वजह से कुछ लोगों से बच के भाग रहा होता है और उसे पता नहीं होता है कि वो लोग जो है ना उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उसे अपने बारे में भी कुछ भी नहीं पता होता है। जीओ जो है ना उन लोगों से बचने के लिए अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करता है, जो उसके पास में क्यों है, कहां से आई, उसके बारे में भी उसे कुछ नहीं पता होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो जीओ को किसी भी हालत में पकड़ना चाहती है। आखिर वो ऑर्गेनाइजेशन है कौन और वो जीओ को क्यों पकड़ना चाहती है और जीओ के पास में ऐसी सुपर पावर आई कहां से, वही सब जानने के लिए आपको इस पूरे के पूरे ड्रामा को देखना पड़ेगा। ये एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर साईफाई ड्रामा है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 68 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था वो भी एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है माय डियरेस्ट। इससे 2023 में इसके गया था उसे IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 मिली है और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में हमें जो लव स्टोरी देखने को मिलती है ना, ये मेरी फेवरेट लव स्टोरी है और फेवरेट ड्रामा भी है। इस ड्रामा के अंदर में आप देखने वाले ली जांग ह्यून की, जो कि बहुत ही तगड़ा फाइटर होता है। ली जांग जो है ना बचपन में एक स्लेव हुआ करता था और बड़े होने के बाद में उसने एक अमीर घराने का टाइटल ले लिया है और अब वो एक नोबल की तरह अपनी जिंदगी काट रहा होता है। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात जो है ना एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो कि एक खुले दिल की होती है, खुश मिजाज होती है, और उससे मिलते ही ना ली जांग को उससे प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम रहता है यूकिल। एक दिन यूकिल और यूकिल का पूरा गांव जो है ना एक बहुत बड़ी जंग का शिकार हो जाता है जो कोरिया और चाइना के बीच में चल रही होती है। तो ली जांग जो है ना अपने प्यार को बचाने के लिए पूरे कंट्री से लड़ जाता है, यानी कि चाइना की पूरी फोर्स से लड़ भिड़ता है ताकि वो अपने प्यार को बचा पाए। इस ड्रामे के अंदर में टोटल 21 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था ना वो एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है माय डेस्क मेट। इसे 2021 में गया था उससे माय ड्रामा लिस्ट पर 7.8 आउट ऑफ 10 मिली है और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामे के अंदर में जो फीमेल लीड है ना वो काफी ज्यादा क्यूट है और क्या बढ़िया था गुरु ये क्या बोल रहा हूँ जान दे देंगे इसके लिए। यहाँ पर आप कहानी देने वाले हमारे फीमेल लीड ही जियांग की, जो कि एक बहुत बड़े चाइनीज आइडल की फैन होती है जिसका नाम रहता है जी हान। और एक दिन ना उसकी मुलाकात जी हान से हो जाती है उसी क्लासमेट के रूप में, क्योंकि वो उसी के स्कूल में पढ़ने के लिए आता है और उसी के क्लास में एडमिशन लेता है और उसी के साइड में बैठता है। ऐसे में ही जियांग जो कि जी हान की बहुत बड़ी फैन है वो अपने आप को संभाले नहीं पाती, वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। और यहाँ पर हमें दोनों की बहुत ही बढ़िया लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर हमें एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलने वाला है जो इस ड्रामा पर चांद चांद लगा देता है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 30 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 32 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था वो एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है स्वीट होम। इससे 2020 में इसकी गया था उसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 मिली है और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देखने वाले हैं चा युन सू की, जिसने अभी अभी अपने पेरेंट्स को खोया है। उसके बाद में वो नई जगह पर जाता है, एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और जब वो अपने रूम के अंदर में गेम खेल रहा होता है ना तब उसे पता चलता है कि पूरे के पूरे साउथ कोरिया के अंदर में डी डे अनाउंस हो गया है, यानी पूरे साउथ कोरिया को अब हाई मिलिट्री अलर्ट पर रखा गया है। और जब चा युन सू बाहर देखता है ना तो उसे पता चल जाता है कि डी डे अनाउंस क्यों है, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है ना मॉन्स्टर बदल रहे होते हैं और उसके अपार्टमेंट में काफी सारे लोग जो है ना फंसे होते हैं और उन्हें बचाने के लिए काफी सारे लोग जो है ना सामने में आते हैं और उनमें से चा युन सू भी सामने में आता है। और जैसे ही वो वायरस जो है ना चा युन सू के ऊपर में अटैक करता है तब चा युन सू के ऊपर में ज्यादा कुछ असर नहीं होता, वो वायरस उसके ऊपर में पूरी तरह से काबू नहीं कर पाता है और इसी का फायदा उठा के चा युन सू जो है ना उस शक्ति को वो सबको बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। और क्या लास्ट तक वो अपार्टमेंट फंसे हुए लोगों को बचाने में कामयाब हो पाता नहीं हो पाता है और लास्ट तक चा युन सू को क्या होगा वही सब आपको इस पूरे ड्रामा में आगे देखना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज है और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों के तीनों बेस्ट हैं। इसके सभी तीनों सीजन के अंदर में टोटल 26 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 52 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था वो एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है जेंजी। इसे 2023 में इसकी गया था उसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे इससे कुछ उम्मीद ज्यादा नहीं थी, बट देखने के बाद में पता चला कि यार ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो इसीलिए आपको इसे ट्राई करने का एक बार जरूर से सोचना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में आप देखने वाले हैं सुन ताओ ताओ की, जो कि एक ऐसी लड़की होती है जो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। वो एक अनाथ लड़की होती है और वो एक फूड डिलीवरी का काम कर रही होती है और जहां पर भी गलत होता हुआ देखती है ना तो वहां पर वो अपने मुक्के और घूसे से सारी सिचुएशन को सॉल्व कर लेती है और उसकी वजह से उसे बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे होते हैं। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रेन शिन से हो जाती है जो कि TCM का बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, यानी कि चाइनीज मेडिसिन का बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। और वो सुन ताओ ताओ को बताता है कि वो TCM की एक उम्मीद है और उसके अंदर में टैलेंट है TCM को लेकर और वो उस फील्ड में काफी ज्यादा आगे जा सकती है, बहुत बड़ी डॉक्टर बन सकती है। ताओ ताओ TCM को बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहती है पर किसी रीजन की वजह से वो ज्वाइन कर लेती है और उसके बाद से उसकी पूरी पूरी जिंदगी ना पूरी तरह से बदलने वाली है और उस जर्नी को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। इस ड्रामा के अंदर में बहुत सारे और भी कैरेक्टर हैं जो इस ड्रामा में जान डाल देते हैं। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 40 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 43 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था वो कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक कोरियन मूवी है जिसका नाम है एक्जुमा, जिसे 2024 में इसकी गया था उसे IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को अभी हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं बुक माई शो स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पर। ये जो मूवी है ना काफी टाइम पहले इंग्लिश सबटाइटल पर आई थी और उस टाइम पर इसने बहुत ज्यादा धमाल मचा दिया था,
पर जैसे ही ये हिंदी लैंग्वेज पर आई ना, मैंने सबसे पहले इस मूवी को जाकर देखा और हिंदी में तो इसने और भी बवाल काट रखा है। इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर में आपको एक ऐसा ब्लैक मैजिक देखने को मिलता है ना, जो आपके होश उड़ा कर रख देगा। आपको ब्लैक मैजिक में यकीन भी नहीं होगा ना, तो बाद में आप यकीन करना स्टार्ट कर देंगे। इस मूवी को देखते वक्त ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे भी अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था। यानी हॉरर तो इस पर बहुत कूट कूट के भर रखा है, डर जाओगे। और कमजोर दिल वाले ना इस पूरी मूवी को बिल्कुल भी ना देखें, और रात में तो इसे बिल्कुल भी ना देखें भाई, कमजोर दिल वाले। इस मूवी के अंदर में आपको एक से एक ब्लैक मैजिक वाले सीन देखने को मिलते हैं, जहां पर हमारी जो फीमेल लीड है ना, वो एक तांत्रिक टाइप की होती है और वो एक अमीर घर के शाप को मिटाना चाहती है। पर वो जो शाप है ना, वो कोई मामूली शाप बिल्कुल भी नहीं होता है, वो उनके बुजुर्गों ने दिया होता है। स्टोरी के बारे में ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वो आप वहां पर देखिए। ये मूवी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि बस 2 घंटे और 14 मिनट की है, तो जाकर से जरूर से देखना। तो दोस्तों यही थे टॉप 10 न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूले, ताकि हमारे अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ। बाय बाय।